हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल वीजे टेक एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये चश्मा मैंने क्यों लगाया हुआ। आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि आई फ्लू चल रहा है और मुझे हो गया था। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और बार बार आंखों को हाथ ना लगाएं। दोस्तों, आज हम आपके घर के लिए एक ऐसा इन्वर्टर लाए हैं दोस्तों जो हैवी से हैवी लोड चला सकता है। अगर आपके घर पर पुराना इन्वर्टर लगा हुआ है और आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप कौन सा इन्वर्टर लगाएंगे वो आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की ओर चलने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्मार्टन के एक 2500 VA इन्वर्टर की। इसकी सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे दोस्तों, उसमें क्या क्या रन कर सकता है, आप उसको कैसे इजिली रन करवा सकते हैं, उसमें आप क्या क्या चला सकते हैं, वो सारी हम वीडियो जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये स्मार्टन कंपनी का इन्वर्टर है, 2500 VA का इन्वर्टर है दोस्तों ये, और इसका मॉडल भी 2500 है। दोस्तों, स्मार्टन ने बहुत से मॉडल निकाले हैं, जैसे इन्होंने सेवर है जो 2500 VA का आता है, ये साइन है दोस्तों, इसमें 2500 सुपर भी आता है, पर ये मॉडल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। साइन जो मॉडल है इसमें एक फंक्शन ऑलरेडी बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे वीडियो में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसका, एक बार डब्बे पे रिव्यू कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लोड चल सकता है, इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों, 1 HP का समर्सिबल, डेंटल चेयर, फोटोकॉपी मशीन, डीप फ्रीजर, रूम कूलर और PC। आप इस पे 1 HP की मोटर जो आपके घर में लगी होती है उसको 2 बैटरियों पर आप रन करवा सकते हैं दोस्त। और हम कुछ बात करें इसके प्राइस सेगमेंट की और इसके बार कोड की। ये दोस्तों इसका बार कोड है जो कंपनी अपने मैन्युफैक्चर गारंटी के लिए यूज़ करती है। दोस्तों, ये साइन मॉडल है, 2500 24 वोल्ट में सोलर PCU, 50 एम्पियर का इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। दोस्तों, आप इस पे 2 kW तक पैनल, 335 के 6 पैनल लगा सकते हैं और उसको स्मूथली रन करवा सकते हैं। इसका कुछ वेट और डायमेंशन यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, और कुछ प्राइस लिखा हुआ है इसका, आप देख रहे हैं 24770, पर यह मार्केट में आपको 12.5-11.5 हज़ार रुपये तक अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और ये कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे इन्वर्टर और उसमें क्या क्या फंक्शन है वो भी देखेंगे दोस्तों। ये अनबॉक्सिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे पीले कलर का, ये बहुत ही प्यारा इन्वर्टर दोस्तों। और इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये इसका मेन पावर बटन है, ये मेनू, यहाँ से इसके डिस्प्ले में सेटिंग हो जाती है दोस्तों। आपने कितना रन लोड क्या चल रहा है सब डिस्प्ले में, आपको हम अगली वीडियो में आपको इसको लगा के भी दिखाएंगे ये कैसे स्मूथली रन करता है दोस्तों। ये कुछ बैक साइड में इसके पैनल कनेक्टर वगैरह की बात करते हैं दोस्तों। ये लाइट सेगमेंट आउटपुट के लिए आप यहाँ पर न्यू, ये पैनल कनेक्टर है दोस्तों, प्लस माइनस जो सोलर की वायर आती है वो यहाँ पे लगती है दोस्तों। और ये एक हैवी कनेक्टर दिया हुआ है इसमें, ये MCB है, घर पर कोई फॉल्ट है या आप लाइट काटना चाहते हैं तो यहाँ से मेन लाइट काट सकते हैं दोस्तों, और कोई फॉल्ट होने पर ये MCB अपने आप ही गिर जाती है, जिससे इन्वर्टर सेफ और आपके घर की सेफ्टी बनी रहती है। और कुछ बात करेंगे ये वायर की, इसमें एक वायर है जो मेन लाइट से कनेक्ट होती है जो आपके ग्रिड की लाइट लेती है, और ये प्लस और माइनस की वायर देख रहे हैं, ये बैटरी में लगती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के टर्मिनलों में। और यहाँ पर इन्होंने सेटिंग दी हुई है, अगर आप UPS मोड, विदाउट UPS मोड चलाना है, ट्यूबलर बैटरी लगाई हुई है या आपने फ्लैट बैटरी लगाई हुई है वो, और आपने 100 से 135 AH तक की बैटरी लगाई है कि 150 से 200, तो यहाँ पर आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये एक हैवी लोड चलाने वाला इन्वर्टर है दोस्तों, और इन्वर्टर भी बहुत अच्छा है। इस बॉक्स में हमें ये कनेक्टर मिला हुआ है, 2 डबल बैटरी कनेक्ट करता है, और ये यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड भी इसमें ही है, यहाँ पर वारंटी कार्ड, ये फ्यूज हैं कुछ जो इसके साथ ही आते हैं दोस्तों। इसकी कुछ सेटिंग की बात करें तो आप इसमें 30% तक सेविंग कर सकते हैं अपने, और ये जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला था वो ये बात है दोस्तों कि जैसे ही ग्रिड, जैसे ही सोलर पैनल आपका ऊर्जा बनाने लगता है तो ये आपके ग्रिड की लाइट को काट देता है, और जब तक धूप रहती है सोलर पैनल काम करता है तब तक ये आपकी लाइट को काटे रखता है दोस्तों। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सेविंग करने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, 90 वोल्ट तक अगर आपके घर में लाइट आई हुई है तो भी ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन्वर्टर कैसा है ये भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।